और चलिए हमारे साथ सहयोगी देवघर से जुड़ रहे हैं अमरनाथ। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमरनाथ, देखिए इतने दिनों से तो ये इंतजार हो रहा था कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो आखिर यहाँ पर वेरिएंट कौन सा है, लेकिन अब इसकी भी पुष्टि हो गई है कि झारखंड में भी ओमिक्रॉन है। वाकई ये पुष्टि तो हो गई है और ये जरूरी चिंता की बात है। हालांकि जो डॉक्टरों से जो बातचीत हुई थी, कल भी हमारी बात हुई है, आज भी पिछले कुछ देर 5 मिनट पहले हमारी बात हुई है, डॉक्टरों ने भी कहा है कि ये माइल्ड ये कोरोना का ये है, लहर है। और कोरोना का ये जो ओमिक्रॉन का जो वेरियंट जो सामने आया है, इससे बहुत ज़्यादा लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ही माइल्ड है। बहुत हालांकि 2 से 3 दिन इसे के जद में लोग जरूर आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। एक कारण ये है, सबसे बड़ी बात है कि लोग को बहुत ज्यादा इसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है पहले, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि का उपयोग करना होगा। जिला प्रशासन के स्तर से भी लगातार जांच बढ़ाई जा रही है और जो जांच, हालांकि पहले ओमिक्रॉन के जांच के लिए यहाँ से सैंपल नहीं भेजा था, ये पहली बार ओमिक्रॉन के जाँच का सैंपल गया था, जिसमें ये पुष्टि हुई है कि 14 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि अब यहाँ से, हालांकि अभी तक कोई ओमिक्रॉन के जांच के लिए यहां से देवघर से कोई सैंपल नहीं भेजा गया था। आज हमारी अभी थोड़ी देर पहले सीएस से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन के सैंपल, ओमिक्रॉन की जांच के लिए भी यहां से भी सैंपल यहां से भेजे जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि लोग अभी भी इस बात को लेकर के चिंतित जरूर हैं कि उन्हें हुआ है तो ओमिक्रॉन है या फिर डेल्टा है, कौन सा वेरियंट के वो शिकार हुए हैं, ये जरूर जो लोग जानना चाहते हैं। लेकिन अपने राज्य में इसकी जाँच की व्यवस्था नहीं होने के कारण अब तक लोग इसकी जांच से महरूम थे, या फिर कहीं कोई लोग जांच में क्लियर नहीं हो पाता कि वे किस वेरिएंट से ग्रसित हैं। लेकिन अब ये जांच का रिपोर्ट आया है, उसे एक जरूर ये बात हो गई, पुष्टि हो गई कि झारखंड में भी ओमिक्रॉन पहुंच चुका है और इससे लोग ग्रसित भी हो रहे हैं। जी देखिए अमरनाथ, अगर ये रिपोर्ट आई है तो आप देखिए इसमें डिले है। हमने सैंपल्स भेजे थे भुवनेश्वर, और वहाँ से जब ये जांच के बाद ये रिपोर्ट आई है, इसमें तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का वक्त लग गया। आप देखिए ये 6 दिसंबर से 21 दिसंबर तक के सैंपल थे और आज 16 जनवरी का वक्त हो चुका है, ऑलमोस्ट आप कहें कि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में अब कितने केसेस, अभी जो नए सैंपल्स भेजे गए हैं, अब इसमें कितने केसेस होंगे, ये भी एक चिंता का विषय है। और जैसा कि विशेषज्ञ कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसकी प्रसार क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। जी हाँ, वाकई वाकई सावधान और सतर्क रहने की लोगों को जरूरत है। हम तो, मैंने आपसे कहा कि लगभग कल भी हमारी कुछ लोगों से बात हुई थी, और जो भी हमारे शुभचिंतक या परिचित, अगर उनसे बात कीजिए और फोन कीजिए, तो अधिकांश लोग ऐसे मिल रहे हैं जो कि कोरोना के जो लक्षण होते हैं उससे कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। तो इसे तो आप मान सकते हैं आप, और डॉक्टरों ने भी कहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड जो होना है वो हो चुका है, और लोग चाहते, डॉक्टर चाहते भी हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि वे ऑन द कैमरा तो नहीं, लेकिन ऑफ द कैमरा इस बात को जरूर कह सकते हैं कि हमें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अगर हो जाता है, स्प्रेड हो गया, और जितना जल्दी जल्दी लोग हो जाते हैं कोरोना पॉजिटिव, वह इस देश के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। कारण ये है कि नहीं तो फिर ये लंबा चलेगा और फिर लंबा लॉकडाउन और बाकी आदि प्रक्रियाओं से लोगों को जूझना पड़ेगा, और ये देश के लिए और सबके लिए ये घातक होगा। जी, तो एक एक तो ये है कि सबसे पहले कि जो स्प्रेड हो चुका है, अब उसका इलाज हो जाए, सब लोग, हालांकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट आ रहा है, लोग स्वस्थ जल्दी जल्दी हो रहे हैं, जितना अब पाए जा रहे हैं संक्रमित, उससे कहीं ज़्यादा लोग रोज प्रतिदिन डिस्चार्ज हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। दुकानों में मैंने अभी पाया है कि दुकानों में भी भीड़ कम है। डॉक्टर भी बता रहे हैं कि पहले जो मरीज आ रहे थे बीच के दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक में, अब उन भीड़ की संख्या में कमी आई है। तो एक तरह से तो हम लोग जरूर मान सकते हैं कि पहले से जरूर लोग धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं, और हालांकि लोग ने कुछ प्रिकॉशन भी लिया है, मास्क का प्रयोग भी बढ़ा है, पहले चलन बढ़ा है, लोग उपयोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कहें कि लोग भी सतर्क हैं, और ये कम्युनिटी स्प्रेड पूरी तरह से हो चुका है, और बिल्कुल अब ये बहुत जरूरी होगा अब ये अमरनाथ कि बाकी जो सैंपल्स अभी तक भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स अभी भी आ रही बाकी है, लेकिन ये इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि ओमिक्रॉन है, तो लोगों को ये समझना होगा कि अब झारखंड भी अछूता नहीं है ओमिक्रॉन से। हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सहयोगी अंजनी भी जुड़ चुके हैं राजधानी रांची से। सीधे अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए इतने दिनों तक तो मुगालते में लोग थे कि कोरोना है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए बच्चों के संक्रमण की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, बच्चों में संक्रमण बढ़ रहा है,
लेकिन इन सब के बीच जो रिपोर्ट भुवनेश्वर से आई सैंपल्स की, वो अब लोगों को ये बताने के लिए काफी है कि लोग इतनी तादाद में क्यों संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन झारखंड में है। और ये जो 14 रिपोर्ट्स मिले हैं इसके तहत ही ये समझा जा सकता है कि इसी यही वजह है कि लोग इतनी तादाद में इतनी जल्दी जल्दी संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन के प्रसार की क्षमता 15 गुना ज्यादा है डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले। हाँ देखिए, अब एक नई चिंता जरूर बढ़ गई है कि ओमिक्रॉन जो है झारखंड में भी दस्तक दिया है, और हमें लगता है कि काफ़ी देर से ये जानकारी जो है भुवनेश्वर से आई है, और जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ये ट्रेस आउट हो पाया है कि झारखंड भी अब जो है पूरे भारत के सभी राज्यों में शामिल हो गया है जहाँ ओमिक्रॉन है। तो कहीं ना कहीं खतरे की बात है, सावधानी बरतने की बात है। अभी देखेंगे आरती, तो पूरे भारत में 6041 जो मामले हैं वो ओमिक्रॉन के हैं। पश्चिमी बंगाल हमारा पड़ोसी राज्य है, बिहार पड़ोसी राज्य है, उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य है, इन तमाम जगहों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। और यदि पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र है, दिल्ली है, केरल है, इन जगहों में राजस्थान है, यहाँ मामले ज़्यादा हैं। और देखिए जिस तरह से ओमिक्रॉन के बाद जो हम कह सकते हैं पूरे झारखंड में, राजधानी रांची हो, जमशेदपुर हो, इन जगहों में लगातार जो है पॉजिटिव मामले बढ़ते रहे हैं। कभी 1000, कभी 2000, 1500, और कभी लगभग पूरे झारखंड का 4000 से भी आगे पार हो गया था। तो एक चिंता की बात है, क्योंकि ओमिक्रॉन के बारे जरूर कहा जाता है कि ये स्प्रेड बहुत तेज़ी से होता है और ये कहीं ना कहीं लोगों को अपनी चपेट में लेता है। यदि कोई संक्रमित है पहले से, मतलब वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो वैसे लोगों के लिए ओमिक्रॉन जो है एक बड़े खतरे की घंटी है। और यही वजह है कि तमाम लोगों को सरकार ने शुरुआती दौर से ही कहा है कि आप अपने अपने घरों में रहें, प्रिकॉशन लें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। और इसमें भी देखिए ओमिक्रॉन दो तरह के होते हैं आरती, एक B1 है, एक B2 है। तो अभी जैसे महाराष्ट्र और दिल्ली में जो देखा जा रहा है वो B1 है, पश्चिमी बंगाल के बारे में बताया जाता है B2 है। तो B2 उतना मतलब एग्रेसिव नहीं है, उतना परेशान नहीं करता है, लेकिन B1 यदि है तो वो काफ़ी परेशान करता है। और यही वजह है कि आप देखेंगे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, मौत के आंकड़े जो है कहीं ना कहीं बढ़े हैं। और पहली मौत ओमिक्रॉन से जो है वो राजस्थान में हुई थी, और अब तो धीरे धीरे सभी राज्यों को ओमिक्रॉन ने ओमिक्रॉन आ गया है। और पूरे वर्ल्ड में देखेंगे आरती तो लगभग 91 कंट्रीज हैं जहां पे ओमिक्रॉन जो है अपना कई रंग रूप दिखा रहा है। और यही कहा जाता है कि आप अपने आप को जितना बचेंगे, जितना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, और सबसे बड़ी बात है जिन लोगों ने वैक्सीन की डबल डोज ली है वो यदि ओमिक्रॉन के चपेट में आता भी है तो बहुत खतरे की बात नहीं होती है, ये तमाम एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो यही वजह है कि न्यूज 11 भी अपील करता है। देखिए अंजनी, ओमिक्रॉन के जो ए और बी टाइप की बात हो रही है, इस वेरिएंट यहाँ भी जो 14 सैंपल्स के अलावे जिन सैंपल्स की बात हो रही है उसमें म्यूटेंट है, अलग है। और ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेंट भी हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत लोगों को समझना होगा कि जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज में आप देखिए कई ऐसे देश हैं जहाँ पर इसका बी टाइप जो है वो भी उसने भी तबाही मचा रखी है, ए टाइप उसने भी तबाही मचा रखी है, लोग काल के गाल में यूं ही समा रहे हैं। लेकिन अगर इससे बचना है, राहत की बात है कि हमारे यहाँ वो म्यूटेंट अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, और ऐसा नहीं है क्योंकि लोग संक्रमित हो रहे हैं तो लोग स्वस्थ भी बहुत जल्दी हो रहे हैं। बावजूद इसके लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि वो कैसे संक्रमण से बचे, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप कोविड गाइडलाइंस फॉलो करें। हाँ देखिए, आपको अभी आने वाले समय तक, एक लंबे समय तक जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आपको अनदेखी नहीं करनी होगी और हल्के में लेने की जरूरत भी नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने डबल डोज ली है तो हमें कुछ नहीं होगा। आपको प्रिकॉशन लेना है, मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है, अभी किसी के यहाँ बेवजह नहीं जाना है,
गैदरिंग नहीं करनी है, ये तमाम प्रोटोकॉल है। देखिए सरकार अपने तरफ से लगातार प्रयास कर रही है, और राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जिला प्रशासन हो, तमाम तरह के जो सुविधाएं जो जनता को देनी है, मतलब वैक्सीनेशन के मामले में, तो आपको अपने घरों से कदम आगे बढ़ाना है और वैक्सीन जरूर लेना है। वैक्सीन ड्राइव में जितने लोग शामिल होंगे तो हमें लगता है कि एक बड़ा सुरक्षा कवच है, और यही वजह देखेंगे कि झारखंड में अभी भी जो है लगभग 80% लोगों ने पहली डोज ली है, और 52% के आसपास जो है लोगों ने डबल डोज ली है। और ये देखेंगे जो 15 साल से 18 साल के बीच के जो लोग हैं, वो उनकी भी संख्या, उनकी तादाद झारखंड में लगभग 23,98,000 है। तो हमें तमाम अभिभावकों को चाहिए कि अपने अपने बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर में पहुँचे और वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि ये न्यूज 11 लगातार अपील करता है, हमारे तमाम एंकर्स अपील करते हैं, तो लोग समझे, घरों से निकले, क्योंकि अभी जो कोरोना का जो संक्रमण है वो कब तक रहेगा इसकी कोई पुष्टि जो है कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कोरोना का जो है हमेशा अपना रंग रूप बदलता है। ओमिक्रॉन जो है दक्षिणी अफ्रीका से पूरे देश में फैल गया, रांची भी आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि वायरस कितना एग्रेसिव होता है और कैसे कैसे करके तमाम अमरनाथ भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमरनाथ, देखिए वैक्सीनेशन की बात हो रही है, वैक्सीनेशन की बात इसलिए भी हो रही है, और हमारे पास जब हम लाइव जाते हैं या फिर हमारे सोशल हैंडल पर कई बार हमारे दर्शक हमसे ये सवाल जरूर पूछते हैं कि इसका क्या फायदा, हम तो वैक्सीन, अगर जो जिन्होंने वैक्सीन लिया है वो भी संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि वैक्सीन लेने का ये मतलब नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी स्थिति इतनी बुरी नहीं होगी कि आपका इम्यून सरेंडर कर दे, आप बीमारी से लड़ ना सके। वैक्सीन इसलिए है ताकि आप मजबूती से उस बीमारी से लड़ सके, खुद को स्ट्रांग रख सके। जी हाँ, इसके साथ साथ एक और नया जो डॉक्टरों का जो राय है उसके अनुसार, अगर हम जिन लोगों को कोरोना का, जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है और उनको दोबारा अगर कोरोना होता है और उनसे जो म्यूटेट जो पैदा होंगे, वो म्यूटेंट जो होंगे जो कोरोना के, वह असरदार नहीं होंगे, वे जो अभी जो डेल्टा और बाकी जो जितने घातक थे वे उतने घातक नहीं होंगे। कोरोना तो होगा, नया वेरिएंट भी उनसे निकलेगा, म्यूटेट भी होंगे, लेकिन उसका असर नहीं होगा जैसे कि ओमिक्रॉन का है। तो इस प्रकार का, जब तक अगर लोग नहीं लेंगे वैक्सीन और उनको अगर कोरोना होगा और उनसे जो नया वेरिएंट जो पैदा होगा कोरोना का, वो वाकई तबाही मचाने वाला होगा। इसलिए डॉक्टरों की राय यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लें और कोई ऑप्शन नहीं है अमरनाथ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे क्या पूरी दुनिया में किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है इसकी। हमारे साथ दिलीप भी जुड़ चुके हैं सहयोगी धनबाद से। दिलीप, देखिए ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, कोयलांचल की बात अगर की जाए तो हालांकि प्रसार जो संक्रमण की रफ्तार वहां पर पिछली दूसरी लहर के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ये चिंता जरूर बढ़ गई है अब कि अब लोगों को ये समझना होगा कि ओमिक्रॉन झारखंड में भी है और इसकी प्रसार क्षमता कितनी ज्यादा है, ये हमने पिछले 10 दिनों में देखा है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अभी तक जो जांच रिपोर्ट सामने नहीं आए थे तो लोग इसको हल्के में ले रहे थे और ओमिक्रॉन को लेकर के थोड़ी गलत फहमी भी उनके अंदर थी। तो जाहिर सी बात है, जब अब ये पुष्टि हो गई है कि झारखंड में 14 मरीज ओमिक्रॉन के से पॉजिटिव पाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है अब लोगों को और सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग को भी अपने स्तर से बड़ी पहल करने की जरूरत है कि अचानक से अगर संक्रमित मरीजों का संख्या में लगातार इजाफा होने लगेगा तो उसके लिए कैसे वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, कैसे इलाज करेंगे। हो सकता है कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट आया था उसके जैसे ही इसमें भी संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी यहाँ पे अस्पताल हैं या फिर ऑक्सीजन प्लांट हैं जो बनाए गए थे सदर अस्पताल में, केंद्रीय चिकित्सालय में, रेलवे में, पीजी ब्लॉक में, तो सभी जगहों पे अब प्रॉपर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। क्या व्यवस्थाएं हैं, उनको कैसे और सुधारा जा सकता है, क्योंकि अब तो पुष्टि भी हो गई है कि झारखंड में 14 मरीज ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है अभी आंकड़ों का खुलासा नहीं हुआ, हो सकता है कि एकाध मरीज धनबाद के भी हो, तो वो चिंता का विषय है, क्योंकि अगर धनबाद के भी हुए
तो उनके परिवार को फिर से ट्रेसिंग करना, आसपास के लोगों को ट्रेसिंग करना, वो किन किन इलाकों में घूमने गया, किन किन लोगों से मिला, उनको ट्रेस करना बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए। और ऐसे में चुनौती भी बड़ी रहेगी, कैसे अब फिर ओमिक्रोन से निपटा जाएगा, क्या फिर लोगों से अपील की जाएगी, क्योंकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बार बार ही अपील की जा रहा है कि भीड़ भाड़ नहीं लगाए, मास्क पहने, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, हमेशा सैनिटाइज करें और जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उनसे जुड़े। लेकिन ये कोरोना को खत्म करने के लिए नहीं है, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात हुई, लोग अब ओमिक्रोन आने के बाद किस तरह से अपने क्रियाकलाप में बदलाव करते हैं, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग क्या विकल्प चुनते हैं ताकि ओमिक्रोन से लोगों को बचाया जाए और इसके प्रसार को भी रोका जाए। जी बिल्कुल, प्रसार को रोका जाए कैसे और क्या कुछ किया जाए सरकार की तरफ से, और सब कुछ सरकार के ऊपर ही छोड़ा जाए ये भी संभव नहीं है। अंजनी देखिए, इसलिए मैं कह रही थी कि सब सरकार और प्रशासन के भरोसे संभव नहीं है। आपको भी समझना होगा, हमें भी समझना होगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि ओमिक्रॉन की प्रसार क्षमता सबको पता है। और सबसे चिंता वाली बात यह है कि जो पिछली लहर थी उसके मुकाबले इस बार बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं, बच्चों में संक्रमण की रफ्तार भी ज्यादा दिख रही है इस बार। हाँ देखिए, झारखंड में जिस तरह से रिम्स की बात करें या सदर हॉस्पिटल की बात करें तो कई बच्चे जो हैं अभी इलाजरत हैं और कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 8 महीने से लेकर 13 साल के बच्चे हैं संक्रमितों में। हाँ देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि इसमें कोई ये तय नहीं है कि कौन संक्रमित होगा, तो इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका आप पालन करें, और बैठकर सिर्फ सरकार को कोसने से नहीं होता है, हमारा भी जो हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। देखिए कई घरों में आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने अभिभावक को कहते हैं आरती कि पापा मास्क लगा कर जाइए, तो छोटे बच्चे कितना आपको एक मैसेज दे रहे हैं। कई घरों में मैंने देखा है कि बच्चे अलर्ट करते हैं, तो ये एक ऐसा वक्त है जहां तमाम चीज़ों को लेकर लोग घरों में हैं, कई तरह की पाबंदियां हैं और अभी 31 जनवरी तक पाबंदियों को बढ़ाया गया है, तो ये हमारे भलाई के लिए है। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सरकार को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप तमाम चीज़ों का निष्कर्ष निकालेंगे तो सरकार ने बड़ा संभल कर फैसला लिया है, क्योंकि तमाम चीज़ों को बंद नहीं किया है, लेकिन जैसे चीज़ें बेहतर होंगी सरकार कई तरह के छूट जो है, कई तरह की राहत भी देगी। लेकिन जिस तरह से पूरे भारत में इस बार जो कोरोना का संक्रमण है, आप देखिए 2.5 लाख से ज़्यादा मामले एक एक दिन में आ रहे हैं, दिल्ली में 20,000-22,000 मामले आ रहे हैं, तो आप समझिए कि किस तरह से ओमिक्रोन बिल्कुल मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। और इसका से यही बात कही जा रही थी कि ओमिक्रोन वेरिएंट जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा रफ्तार में संक्रमित कर रहा है, ये वेरिएंट इसकी प्रसार क्षमता बहुत ज्यादा है। अमरनाथ, लोगों को ये समझना होगा कि अगर हम नहीं समझे, अगर हम सावधान नहीं हुए, तो ये जो पाबंदियां बढ़ाई गई हैं, ये पाबंदियां न सिर्फ पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी बल्कि सख्तियों के साथ पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी अगर इसी तरह चलता रहा और संक्रमितों की संख्या लगातार इसी तरह बढ़ती रही। तो इसलिए लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर हम खुद को रोकेंगे तो जाहिर है ओमिक्रोन रुकेगा, कोरोना रुकेगा। जी हाँ, वाकई हम लोग को ज्यादा सतर्क रहना होगा और कोविड गाइडलाइंस का पालन भी करना होगा, और इसका असर अब देवघर में दिखने भी लगा है। मैं आपको बताऊं कि 2 दिन महाशिवरात्रि को लेकर के, महासंक्रांति को लेकर के यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ होती थी और उसको लेकर के जिला प्रशासन के स्तर पर काफी फोर्स तैनात किए गए थे कि भीड़ भाड़ जब होगी तो लोगों को क्यू सिस्टम या फिर कोविड लाइन गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा। लेकिन स्थिति ये रही है कि सुरक्षा कर्मी ज्यादा रहे और श्रद्धालु कम रहे, इसका यानी कि सीधा सीधा असर ये साफ समझ में आया लोगों को कि लोगों ने भी अब मान लिया है और लोग भी अब अवॉइड कर रहे हैं, यात्रा अवॉइड कर रहे हैं, और लोग अब बाकी जो बिल्कुल लोगों को समझना भी होगा, लोगों को समझना भी होगा अमरनाथ। अगर लोग नहीं समझेंगे तो सिर्फ सरकार की तरफ से पाबंदियां लगा देने भर से कोरोना नहीं थम जाएगा। दिलीप देखिए, लोग समझ रहे हैं, देवभर में लोगों ने ये समझा महासंक्रांति के अवसर पर किस तरह से बाबा के दर्शन के लिए लोग पहुंचते थे, लेकिन लोगों ने वहां पर जागरूकता दिखाई, लोग कम संख्या में पहुंचे और जो पहुंचे वो कोविड गाइडलाइंस फॉलो कर रहे थे।
क्या वहां पर अब लोगों में अवेयरनेस नजर आ रहा है, क्योंकि अब हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, तो ऐसे में वहां के लोगों की क्या, वहां पर क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, जागरूकता तो लोगों में है, लेकिन मैं बता दूं ना कि जो हम चीजों को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं कि हमें मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है, भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, इन बातों को हम आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। और उसके उसका कारण क्या दिखता है यहाँ पे कि लोग कहीं ना कहीं बिना मास्क के भी दिख जाते हैं। दुकानदार भी उस बात को नहीं एग्री कर पाते कि आप बिना मास्क पहने आएंगे तो आपको हम सामान नहीं देंगे। भीड़ भाड़ के इलाकों में दिख जाते हैं, बस स्टैंड में कुछ लोग दिख जाते हैं, क्योंकि बार बार हर जगह पे जिला प्रशासन के लोग या फिर बस एसोसिएशन के लोग वो नहीं समझाएंगे, दुकानदार नहीं समझाएंगे, ये अपने आप को समझने की जरूरत है। और एक एक बड़ी बात यह हुई है कि ओमिक्रोन ने दस्तक दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि लोग अब और ज्यादा सतर्क और सावधान हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरह से डेल्टा प्लस वेरियंट ने कोहराम मचाया था और कई लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा, तो हो सकता है कि अगर ओमिक्रोन वायरस के चपेट में अगर वो आए, या फिर जो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर ये इसका दायरा बढ़ता तो काफी खतरनाक हो जाता है, तो हो सकता है कि अब जो लापरवाही दिख रही है वो लोग लापरवाही ना करें। लेकिन फिर भी सवाल वही उठता है कि देखिए, लापरवाही को दूर करने के लिए बार बार जिला प्रशासन के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग हर जगह मुस्तैद नहीं। बिल्कुल, ये सब कुछ आप विभाग, सरकार या फिर प्रशासन पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके लिए जन सहभागिता की जरूरत है। और अगर लोगों की सहभागिता नहीं होगी, हमने दूसरी लहर में ये साबित कर दिखाया था, सबने एक साथ इस मुहिम, एक मुहिम को कहें तो सबकी सहभागिता थी, तभी हम दूसरी लहर से बहुत जल्दी पा सके थे। और यही जरूरत इस वक्त भी है कि हम इसके भागीदार बने, हम कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें, उन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करें, ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। बहरहाल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिलीप, अंजनी और अमरनाथ, आप तीनों का। तो देखिए, झारखंड में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजे गए थे सैंपल्स और उनमें से 14 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। राहत के बाद दूसरी तरफ के आंकड़े आपको बताएं कि स्वस्थ भी लोग हो रहे हैं, भले ही संक्रमितों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ रहा है। कल भी देखिए 3000 से ज्यादा मामले सूबे में सामने आए हैं, लेकिन इस बीच एक बार फिर न्यूज 11 भारत आपसे अपील करता है कि ओमिक्रॉन म्यूटेंट हो रहा है, बार बार वो अपना स्वरूप बदल रहा है, तो अगर इससे बचना है, खुद को बचाना है, अपनों को बचाना है, तो कोविड गाइडलाइंस जरूर फॉलो करें। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।